हेलो एवरीवन दिस इज़ शिवांगी वेलकम टू शिव क्लासेस आज हम इस वीडियो में एक्चुअल इकनॉमिक स्टार्ट कर रहे हैं ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और ऑप्शनल होता है आपका सब्जेक्ट कोड है इसका एम ई सी जीरो जीरो थ्री आज जो हम क्वेश्चन करेंगे आपका जून टू थाउजेंड सेवेंटीन में आया था कितने मार्क्स का आया था ट्वेल्व मार्क्स का चलिए स्टार्ट करते हैं वट इज़ ऑप्शन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन हाउ यूरोपियन ऑप्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन ऑप्शन ऑप्शन क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन क्या है कैसे यूरोपियन ऑप्शन डिफरेंट है किससे अमेरिकन ऑप्शन से एन ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय और सेल एन असेट इन द फ्यूचर एट अ प्राइस दैट इज़ एग्रीड अपॉन टूडे ऑप्शन क्या होता है होल्डर को एक राइट right देता है क्या असेट को बाय या सेल करने का कब फ्यूचर में लेकिन वो प्राइस कब डिसाइड होगा आज डिसाइड होगा ठीक है टाइप्स ऑफ ऑप्शन देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन दी मार्केट विच कैन बी कैटेगराइज इन नंबर ऑफ बेज बहुत टाइप्स के आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर ठीक है कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर कैटेगराइज ऑफ ऑप्शन विच आर वेल नोन अमंग टू मार्केट प्लेयर्स लेकिन जो दो मोस्ट फेमस ऑप्शन हैं वो कौन कौन से कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन है एक्सेप्ट दिस टू टाइप्स द अदर इंक्लूड्स अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन लेकिन इसके अलावा दो ऑप्शन कुछ लोग हैं जो इंक्लूड करते हैं वो है आपका अमेरिकन और यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन चलिए अब एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे पहला क्या है हमारा कॉल ऑप्शन इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट विच गिव द होल्डर द राइट टू बाई एंड अंडरलाइन सिक्योरिटी एट एन एग्रीड प्राइज इन दी फ्यूचर आप कॉल ऑप्शन क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो होल्डर को क्या राइट right देता है एक सेट को बाय करने का राइट right देता है ठीक है लेकिन प्राइस कब डिसाइड होगा आज डिसाइड होगा और वो उसको कब बाय करेगा फ्यूचर में डिसाइड बाय करेगा ठीक है एंड इन्वेस्टर बाय अ कॉल ऑप्शन वैन ही शी बिलीव्स दैट द प्राइस ऑफ स्टॉक इज लाइकली टू इंक्रीज इन द फ्यूचर एक इन्वेस्टर कॉल ऑप्शन को कब बाय करेगा कि जब उसे ये बिलीव होगा कि जो स्टॉक है उसका प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज़ हो सकता है ठीक है कि आज वो कम प्राइस पे उसको डिसाइड करा कि भाई मैं इसको फ्यूचर में खरीदूँगा लेकिन जब वो ख़रीदेगा तो उस टाइम पर उसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ जाएगी लेकिन वो उसको कौन से प्राइस पे परचेज करेगा जो उसने आज प्रेजेंट में डिसाइड करा है ठीक है अब है पुट ऑप्शन अब पुट ऑप्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन किसका अपोजिट होता है कॉल ऑप्शन का एकदम अपोजिट होता है कॉल ऑप्शन में उसको बाय करने की क्या मिलती है उसको परमिशन मिलती है और यहाँ पे उसको सेल करने की द ट्रेडर हु एवर इज़ होल्डिंग द पुट ऑप्शन हैज़ राइट टू सेल द अंडरलाइन सिक्योरिटी एट अ फिक्स प्राइस इन फ्यूचर तो यहाँ पे ट्रेडर के पास क्या राइट uh, right होता है कि वो अपने असेट को फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पे बेच सकता है जो उसने कब डिसाइड करा आज डिसाइड करा है ठीक है एंड इन्वेस्टर बाय अ पुट ऑप्शन वैन ही शी बिलीव दैट द प्राइस ऑफ स्टॉक इज लाइकली टू डिक्रीज इन फ्यूचर एक इन्वेस्टर बुट ऑप्शन को कब बाय करता है जब उसे ये लगता है कि भाई उसका जो स्टॉक है उसके प्राइस जो है फ्यूचर में कम हो सकते हैं नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन दिस टाइप ऑफ ऑप्शन हैज़ नथिंग टू डू विद द जियोग्राफिकल एरिया नॉर्मली द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कम्स विद एन ऑप्शन एक्सपायरेशन डेट एट विच द होल्डर हैज़ टू एक्सरसाइज देयर राइट टू बाय और सेल मोस्ट जो मोस्टली आपका ऑप्शंस है वो उनकी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं ठीक है कि वो एक होल्डर को क्या करना पड़ता है उस एक्सपायरी डेट पे या तो अगर वो राइट right, उसके पास राइट टू बाय है तो वो उसको बाय करेगा अगर उसको सेल करना स्टॉक को तो वो सेल करेगा लेकिन एक्सपायरी डेट पे ठीक है बट इन द अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन टाइप ऑफ टाइप द होल्डर कैन बाय और सेल द अंडरलाइन सिक्योरिटी बिफोर एनी टाइम ऑफ एक्सपायरी डेट लेकिन अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन में क्या होता है कि जो होल्डर होता है वो कभी भी स्टॉक को अपने शेयर्स को कभी भी बाय और सेल कर सकता है लेकिन एक्सपायरी डेट से पहले कभी भी लेकिन बाकी ऑप्शन में क्या होता है कि उसको सेम डेट पर जिस दिन एक्सपायरी डेट है उसी दिन या तो उसे बाय करना है या फिर परचेज करना लेकिन अमेरिकन ऑप्शन में वो उससे पहले भी बाय या परचेज कर सकता है सॉरी बाय और सेल कर सकता है दिस इज एन एडिशनल एडवांटेज टू द होल्डर ऑफ द अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन होल्डर्स वेयर द एक्सपायरी डेट इज़ नॉट टू बी मैंडेटरली फॉलोड बाय द होल्डर तो एक एडिशनल एडवांटेज है किसकी अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन की कि उसको जरूरी नहीं है एक्सपायरी डेट को फॉलो करना हो क्योंकि वो उससे पहले बेच या खरीद सकता है ठीक है अपने स्टॉक को लास्ट क्या है हमारा यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन है यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन आपका क्या होता है यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन होल्डर कैन नॉट द एंजॉय द सेम एडवांटेज एज द होल्डर ऑफ द अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन होल्डर ठीक है तो जैसे अमेरिकन वाले ऑप्शन में आपके पास क्या होती है फ्रीडम होती है कि आप एक्सपायरी डेट से पहले भी खरीद या बेच सकते हैं लेकिन ऐसी फ्रीडम किस में नहीं होती यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में नहीं होती है इफ़ यू आर द होल्डर ऑफ़ दिस स्टाइल ऑप्शन देन यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू बाय और सेल ओनली ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ठीक है तो यहाँ पे अगर आपको बाय या परचेज करना है अपने स्टॉक को तो आप कब करोगे जब आपका एक्सपायरी डेट होगी उसकी एक्सेप्ट दिस देर इज़ ए नो डिफ़्रेंस बिटवीन द अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन एंड यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन इसके अलावा ठीक है एक्सपायरी डेट के अलावा कि भाई उसमें एक्सपायरी डेट से अमेरिकन में एक्सपायरी डेट से पहले भी वो ख़रीदा बेच सकता है ठीक है और यूरोपियन में नहीं हो सकता उसको एक्सपायरी डेट पर ही करना होगा यही सिर्फ एक डिफ्रेंस है इन दोनों के बीच में आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं ठीक है पहले लेकिन वीडियो को पूरा देख के समझिएगा तब नोट्स बना के फिर उसे एक बार रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको ये एक क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू